उज्जैन के तराना तहसील में मागडोन रोड और आसपास मुख्य चौराहों पर राज्य सरकार ने लाखों रुपए की राशि खर्च कर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बनाए थे, पर कुछ समय पहले ही यह प्रतीक्षालय गिर गया और पूर्ण रूप से खराब हो गया। जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण के समय गुणवत्ता पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जिसका यह परिणाम है कि लाखों रुपये की राशि से खर्च की गई लेकिन प्रतीक्षालय बनाने वाले ठेकेदार कंपनी कर्मचारियों ने ध्यान नहीं देने की वजह से लाखों रुपये की हानि हुई है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मनोहर मनोहर सिंह जी, बताइए आप कहाँ रहते हैं? रहते तराना तहसील में आता ना गाँव। ये जो चौराहा है, ये चौराहे का क्या नाम है? इसका पानी है मोड़ी कहते हैं, नांदेड़ मोड़ कहते हैं। नांदेड़ मोड़। ये जो विधायक जी का बैठने का प्रतीक्षालय बना था यात्रियों के लिए, ये कैसे गिर गया, क्या हो गया? कैसे हवा पानी, उस दिन पानी आया था, उस दिन हवा चली, उस दिन गिर गया। कितना समय हो गया इसको गिरे हुए? 8-10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए तो इसको अधिकारियों ने संज्ञान लिया, ठीक नहीं कर पाए इसको, क्या मामला है इसका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।